कुछ और अहम खबरें। अयोध्या को 22 जनवरी का बेसब्री से इंतजार है। 22 जनवरी को रामलला नए भव्य मंदिर में विराजेंगे। प्राण प्रतिष्ठा की भव्य तैयारी अयोध्या में चल रही है। 20-30 दिसंबर को पीएम मोदी राम की नगरी पहुंच रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम की नगरी अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। पूरी राम नगरी राम के रंग में रंगी नजर आ रही है। सज रही अयोध्या को देखकर लग रहा है कि मानो अयोध्या का कणकण 22 जनवरी का इंतजार कर रहा हो, जब राम लला बन रहे भव्य राम मंदिर में विराजमान होंगे। इस बीच केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने अयोध्या में 18 दिवसीय अयोध्या महोत्सव का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार अयोध्या को विश्व स्तरीय नगरी के रूप में स्थापित कर रही है और भारत सरकार का पर्यावरण मंत्रालय अयोध्या को इको फ्रेंडली स्वरूप प्रदान करेगा। सैकड़ों वर्षों के बाद ये राम लला जी विराजमान होने जा रहे हैं और उस उपलक्ष्य पर संपूर्ण अयोध्या को हर तरह से पर्यावरणीय पौधे और हर प्रकार से सुसज्जित करके, ताकि पर्यावरण का भी संरक्षण हो, प्रकृति का भी संवर्धन हो, तो यह काम हर व्यक्ति को करना है। मैं तो चाहूँगा जो लोग यहाँ आएंगे, एक तुलसी का पेड़ ही क्यों ना हो, वो जरूर भगवान श्री राम के चरणों में समर्पित करके। अयोध्या में भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी आखिरी चरण में है। वहीं राम मंदिर के संघर्षों को लेकर भी लगातार चर्चाएं हो रही हैं। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने राम लला के मंदिर के लिए लड़ी जाने वाली लड़ाई के बारे में बड़ा बयान दिया। चंपत राय ने कहा कि राम मंदिर का आंदोलन आजादी के लिए जैसा संघर्ष रहा होगा। मंदिर तो इस देश में कम से कम 3000 तोड़े गए, किताबें लिखी गई हैं, हिंदू टेम्पल्स व्हाट हैपेंड टू देम, क्या हुआ उनके साथ, हिंदू टेम्पल्स। अयोध्या में ही 3 मंदिर तोड़े गए, एक राम जन्मभूमि, दूसरे मंदिर का नाम है मंदिर स्वर्ग द्वारी और तीसरा मंदिर है त्रेता के ठाकुर। मुझे मालूम नहीं ये 2 कहां है, लेकिन किताबों में यही लिखा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को अयोध्या दौरे पर पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट का शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा 2 अमृत भारत एक्सप्रेस राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पहली अमृत भारत एक्सप्रेस भगवान राम के जन्म स्थान अयोध्या से चलकर माता सीता के जन्म स्थान वाले क्षेत्र मिथिलांचल को जोड़ेगी। ये देश की पहली अमृत भारत ट्रेन होगी, जबकि दूसरी अमृत भारत एक्सप्रेस साउथ इंडिया के लिए होगी, जो मालदा से बेंगलुरु के बीच चलेगी। अमृत भारत एक्सप्रेस भगवा रंग की है। न्यूज 18 इंडिया पर पहली और एक्सक्लूसिव तस्वीरें अमृत भारत ट्रेन की। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये है अमृत भारत ट्रेन, यानी कि वंदे भारत एक्सप्रेस की स्लीपर ट्रेन। ये कलर कॉम्बिनेशन की अगर बात की जाए तो ट्रेन के रंग में तब्दीली है, ये नई ट्रेन है। और साथ ही साथ इस ट्रेन की जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये कि ये पूरी तरीके से भारत में बनी हुई है, ये भारत में निर्मित है और आत्मनिर्भर भारत का ये जीता जागता उदाहरण। रेलवे का ये बहुत बेहद महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जिसे 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या से राष्ट्र को समर्पित करेंगे, ये अमृत भारत ट्रेन जो कि अमृतकाल में लाई जा रही है। ऐसे में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट इसे रेलवे का कहा जा सकता है, जो अब 30 दिसंबर को लोगों को सौंप दी जाएगी। पीएम मोदी के अयोध्या दौरे को लेकर भव्य तैयारी की जा रही है। पीएम मोदी पर मंत्रोच्चारण के साथ फूलों की बारिश की जाएगी। बीजेपी सांसद लल्लू सिंह का कहना है कि पीएम मोदी के स्वागत की ऐतिहासिक तैयारी हो रही है। अयोध्या सुंदर बने, स्वच्छ बने, यह प्रधानमंत्री की सोच के आधार पर हम सारे लोग, प्रदेश के मुख्यमंत्री सब लोग लगे हुए हैं। और जैसा कि आपने बताया कि 30 तारीख को प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो
तो अगर वो आएंगे तो स्वाभाविक रूप से हम लोग रोड शो करेंगे अयोध्या नगर के, उसकी भी तैयारी हम लोग कर रहे हैं कि अगर सूचना आ गई थी इसको आएंगे तो हम उसकी तैयारी कर रहे हैं करेंगे। वही खबर है कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री या राज्यपाल को निमंत्रण नहीं भेजा जाएगा, केवल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल ही प्रोटोकॉल के तहत प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हो सकेंगे। राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से प्राण प्रतिष्ठा के मेहमानों की सूची तैयार कर ली गई है। खेल जगत, कला जगत समेत 4000 से ज्यादा साधु संत और 2500 से ज्यादा विशिष्ट जन प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे। अमिताभ बच्चन, अरुण गोविल समेत विपक्ष के कई नेताओं को निमंत्रण भेजा गया है। जल्द ही वो घड़ी आ रही है जब राम भक्त रामलला को नए भव्य मंदिर में देखेंगे और सैकड़ों सालों का इंतजार खत्म होगा। कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए भव्य तैयारी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।